अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो फिर से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, और हमारे पास मौजूद है हायर की 1201678 यानी कि 12 kg। बात करेंगे आज इसके बहुत इंपॉर्टेंट दो फंक्शंस पे, और फंक्शंस दोनों बेसिकली ड्राई ड्राई फंक्शन हैं, तो आज सब कुछ होने वाला है ड्राई ड्राई। सो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है एयर ड्राई और टब ड्राई का फंक्शन, जिससे जब भी बात आती है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की और इन दो फंक्शंस की, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन क्यों होता है कि ये एयर ड्राई किस पर्पज़ के लिए और टब ड्राई किस पर्पज़ के लिए है, हम क्यों करें इसको भाई, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ पे स्पिनिंग दी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों जो आपके पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में फंक्शंस हैं, ये नॉर्मली जब आप पावर ऑन करते हैं वॉशिंग मशीन को या वन टच सॉल्यूशन के साथ, तो ये नहीं आते। ये इसका वन टच सॉल्यूशन है, लाइक किसी भी मोड पे, जिस भी मोड पे आपने वॉशिंग मशीन का साइकिल स्टार्ट करना है, उस मोड पे ये फंक्शंस इनेबल नहीं होते। आपको नज़र आ रहा है ये स्विच ऑफ हैं, तो इनको हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है जब भी इनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बताती चलूँ कि ये दोनों फंक्शन यानी कि एयर ड्राई और टब ड्राई स्पिनिंग की ही एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं। सो आप कह सकते हैं स्पिनिंग की एक्सटेंडेड फॉर्म जो है एयर ड्राई और टब ड्राई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर ड्राई फंक्शन की। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये एयर ड्राई जो फंक्शन है, आप देखिएगा यहाँ पे अगर वॉशिंग मशीन ये 39 मिनट्स पे नॉर्मली कॉटन मोड पे ऑन है, तो मैं यहाँ से एयर ड्राई फंक्शन को क्या करूँगी, इनेबल करूँगी, तो क्या डिफरेंस आएगा। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड है 99 मिनट्स हैं। इनिशियली 39 था और जब ये ऐड अप किया हमने तो 99 मिनट्स आ गए। ठीक है, तो बताती चलूँ कि पहली बात कि एयर ड्राई जो फंक्शन है वो यूज़ होता है जब आपके कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर हैं और आप कपड़ों को वॉश के बाद डायरेक्ट रेडी टू आयरन आप लेके जाना चाहते हैं। मतलब कपड़े आपने वॉशिंग मशीन से निकाले, जो भी कपड़े आपने वॉश किए वॉशिंग मशीन से निकाले और डायरेक्ट उसको प्रेस करने के लिए ले गए। ये स्पिनिंग की ऐसी फॉर्म है कि जिसमें स्पिनिंग का ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स मज़ीद ऐड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अगर कॉटन मोड पर आपको रिक्वायर्ड जो टाइम था वो 39 मिनट्स थे, और जब आपने एयर ड्राई फंक्शन को इनेबल किया तो 99 मिनट्स हो गए। मतलब कि 60 मजीद मिनट्स इसमें ऐड अप हो गए, एक घंटा ऐड हो गया, और एक घंटा एडिशन से क्या होगा, एक घंटे तक आपकी वॉशिंग मशीन में जो भी कपड़े धुल चुके हैं उन कपड़ों का क्या होगा कि स्पिनिंग होगी और बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जैसे आप स्प्रे बॉटल से किसी भी कॉटन या लॉन के कपड़े पे स्प्रे करते हैं और उसके बाद उनको प्रेस करते हैं, तो इतने ही उनमें ह्यूमिडिटी रहती है जब आप एयर ड्राई फंक्शन को यूज़ करते हैं। सो एयर ड्राई फंक्शन यूज़ होता है कपड़ों को ड्राई करने के लिए, तकरीबन एक घंटे तक मज़ीद ड्राई होते हैं और सीधे आपके चले जाते हैं प्रेस होने के लिए। उसको मज़ीद बाहर सुखाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़े भी तो मिनिमम लाइक 2 to 3 मिनट्स ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मज़ीद डिटेल से एयर ड्राई फंक्शन पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। आप दूसरी बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन जो है एयर ड्राई है तो टब ड्राई क्या है। अगेन ये बताती चलूँ कि स्पिनिंग की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म जो है एयर ड्राई के अलावा टब ड्राई भी है। सो टब ड्राई क्या है, टब ड्राई में आपके कपड़े बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। इस प्रोसीजर में ये होता है कि सिंपली आपकी जो वॉशिंग मशीन है इसके अंदर जो भी वॉशिंग साइकिल के बाद वाटर रेजिड्यूज रह जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स रह जाते हैं, उनको क्या करेगी वॉशिंग मशीन की स्पिनिंग ही करेगी, और स्पिनिंग के थ्रू उन वाटर ड्रॉपलेट्स जो इसके पिलर ड्रम के इनर साइड पे हैं या इसकी आउटर साइड, ये जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे हैं या इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि विजिबल नहीं भी हैं, उनको भी ड्राई कर देगी। यानी कि आपकी जो वॉशिंग मशीन की टब है इसको फुली ड्राई करेगी। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सिंपली आप जब इसको इनेबल करते हैं, आप देखिएगा जैसे मैं इसको इनेबल करूँगी तो कुछ टाइमिंग्स और कुछ चीज़ें आएंगी। यहाँ पे जब फंक्शन बटन को प्रेस करके मैंने टब ड्राई ऑप्शन को इनेबल किया तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन आता है 52 मिनट्स, कोई भी मोड नहीं होता। ठीक है, मोड इनेबल ना होने की वजह यह है कि चूँकि कपड़ों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, हमने वॉशिंग मशीन का ऐसा साइकिल स्टार्ट करना है जिसमें कपड़े तो नहीं धुलेंगे, सिंपल
टब की ड्राइनेस के लिए स्पिनिंग का प्रोसीजर होगा और इसका ड्यूरेशन 52 मिनट्स होता है टोटल। और स्पिन एनेबल है, यानी कि ये स्पिनिंग की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और 7 मिनट्स मैक्सिमम, ये 7 मिनट्स पे वैसे ही आ गया है बाय डिफॉल्ट। सो टोटल ड्यूरेशन जो है 52 मिनट्स हैं। सो आई एम श्योर कि अब आपको समझ आ गई होगी कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एयर ड्राई या टब ड्राई के फंक्शन का क्या क्या डिफरेंट फंक्शन है और किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो लास्ट पे थोड़ा सा समराइज कर दूं कि एयर ड्राई फंक्शन जो आपका होता है, वो आपके कपड़े जब प्रॉपर वॉश हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कपड़ों को धूप में या हवा में फैलाना ना पड़े, बल्कि आप कपड़े वॉशिंग मशीन से निकालें और सीधे आयरन के लिए चले जाएं। सो ये कपड़ों के लिए एयर ड्राई ऑप्शन होता है और इसका ड्यूरेशन टोटल जो होता है वो 60 मिनट्स होता है। मतलब कि आपकी नॉर्मल साइकिल में जब आपकी वॉशिंग हो जाती है उसके बाद 60 मिनट्स आपको फर्दर रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें स्पिनिंग होती है। और टब ड्राई जो है, टब ड्राई फंक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है, इन द सेंस कि इसमें कपड़े इन्वॉल्व नहीं होते। सिंपली ये होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन का जो पिलो ड्रम है उसकी ड्राइनेस का प्रोसीजर है। और प्रोसीजर ये है कि टोटल इसका ड्यूरेशन जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो 52 मिनट्स होंगे, यानी 52 मिनट्स तक आपकी वॉशिंग मशीन के पिलो ड्रम जो है स्पिन करेगा और इसके अंदर से तमाम तरह की नमी को दूर करेगा, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है, एयर ड्राई फंक्शन का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके कपड़े वायर नहीं फैलाने पड़ेंगे। आप अर्जेंसी में हैं, कहीं आपने जाना है या आप स्कूल यूनिफॉर्म है बच्चों के, तो कोई इस तरह की इमरजेंसी है तो उसमें आप इमीडिएटली कपड़े अपने वॉश करेंगे और आप कपड़े प्रेस करेंगे और आपके कपड़े तैयार हो जाते हैं विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 to 1.5 आवर, ठीक है। और टब ड्राई की बात करें तो टब ड्राई जो इसके फ़ायदा ये है कि आपकी जो पिलो ड्रम है इसको जंग नहीं लगेगा, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाएगी और लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। और उसके साथ साथ क्या होता है, स्पेशली मॉनसून के या उन एरियाज में जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जगह जगह पे रह जाते हैं वॉशिंग के बाद। जैसे इसके अंदर भी आपको नमी अभी भी नज़र आ रही होगी, उससे क्या होगा कि समटाइम्स आपके कपड़ों से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है या फिर आपके पिलो ड्रम की क्वालिटी और क्वालिटी भी ख़राब होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके पिलो ड्रम के अंदर से भी बहुत स्टिंकीनेस स्टार्ट हो जाती है। सो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसका टब ड्राई फंक्शन इनेबल करें। विद इन मंथ आप कर सकते हैं, वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ, इट्स टोटली अप टू यू, या डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में रह रहे हैं। सो आई एम श्योर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपकी कन्फ्यूजन एयर ड्राई और टब ड्राई को लेकर बिल्कुल दूर हो चुकी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। रखिए अपने और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।